जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। अगर आप कल का एपिसोड मिस कर दिए थे तो कल बहुत सारे अपडेट्स आए थे, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके जरूर से देखिएगा। सबसे पहला अपडेट आ रहा है मोटो जी स्टाइलस 2023 की तरफ से। इसके रेंडर्स आ चुके हैं, ऑन लीक्स क्रिएट किया है, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। देखने में वैसे काफी कुछ हद तक मोटो X40 के जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने में काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये स्मार्टफोन इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि मोटोरोला अपने स्टाइलस वाले सीरीज के फोन्स को इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं किया है, तो शायद ये भी ना आए। कुछ अगर पता चलेगा फिर भी तो बताता रहूंगा। वैसे इसका प्राइस काफी हाईफाई होगा स्टाइलस के चक्कर में। वैसे यारों मोटोरोला का बात निकल ही गया है तो मोटो एज 40 प्रो इसका मॉनिकर कंफर्म हो गया है, गीगबेंच पे पकड़ा गया है, वही अपना मोटो X40। इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, इंडियन प्राइस, अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर कभी ना कभी आया होगा, ये जो आईफोन्स होते हैं ये कितने रुपए में बनते हैं, मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट इनका क्या होता है। रियल प्राइस तो अपने को पता है लेकिन बनने में कितना इनको दाम लगता है। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाहर आ चुका है। iPhone 14 Pro Max फैक्ट्री में जब बनता है ना तो उसका प्राइस होता है 38,400 रुपीज समथिंग, ठीक है, 38,000 रुपए के आसपास वो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जब सेलिंग पे जाता है तो 1,40,000 रुपए का बिकता है। देखिए बनने में इतना कम पैसा लग रहा है लेकिन भाई एप्पल का ब्रांडिंग लग जाता है इसके बाद तो दाम बढ़ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लावा अग्नि 2 बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, इसका प्राइस आपको 22,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा। पहले इसके जितने स्पेसिफिकेशंस हैं मैं आपको साइड में दिखा दूंगा, देख लेना, आप बताना मुझे आप इस फोन के लिए वेट करोगे। व्हाट्सएप बीटा टेस्टिंग में एक नए ऑप्शन के ऊपर काम कर रहा है, ये जो ऑप्शन है बहुत सारे लोगों को राहत दिलाएगा। अब से आप व्हाट्सएप में हाई क्वालिटी वाले फोटोज को सेंड कर पाओगे, रख पाओगे अपने पास, ऑप्शन आ चुका है, देख लो। सैमसंग गैलेक्सी A54 5G का सपोर्ट पेज लाइव हो चुका है सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे, मतलब कि मार्च के मंथ में हम लोगों को सैमसंग के नए A सीरीज के फोन देखने को मिलने ही वाले हैं। मेरे को जहां तक पता चला है मार्च के सेकंड वीक के आसपास इनका लॉन्च इवेंट बैठेगा, सैमसंग गैलेक्सी A34 5G, A54 5G, A70 तो नहीं आएगा, बताया था आपको। आज Xiaomi ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, 26 फरवरी को Xiaomi 13 Pro इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसका प्राइस होगा 65,000 रुपीस के आसपास, उससे ऊपर ना जाए उसी के नीचे रहे तो मजा आ जाएगा। वैसे ऐसे रूमर्स भी हैं कि Xiaomi 13 Lite भी लॉन्च हो सकता है 26 तारीख को। वैसे इंडियन लॉन्च के बारे में तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आया Xiaomi 13 Lite के, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस बार Xiaomi जरूर लॉन्च करेगा। वैसे अगर आप Xiaomi 13 Lite के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके जरूर से देखिएगा, आज ही बनाया था। MWC बार्सिलोना 2023 इवेंट हम लोगों को पता है 27 तारीख से शुरू हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े टेक से रिलेटेड ब्रांड्स हैं वो सब के सब इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से Xiaomi भी होगा, ऑफिशियली वो पोस्टर्स निकाल चुका है। और भाई ये जो इवेंट होता है ना, इनमें हम लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही अच्छे, अमेजिंग और बहुत ही कह सकते हो इनोवेटिव टाइप के प्रोडक्ट्स और आइडियाज देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होता है, हर साल बहुत ही अच्छी इनोवेटिव चीज़ें दिखा कर जाता है, कुछ नई चीज़ें बता कर जाता है। वैसे आप टेंशन मत लो, मैं आपको सब कुछ कवर करता हुआ दिखाई दूंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। द फ्लैश का ट्रेलर आ चुका है, मानो या ना मानो यार बहुत ही बवाल ट्रेलर था, मैं देखा, देख के दिल खुश हो गया और भाई इसके ऊपर मैं काम चालू कर दिया हूँ। सेकंड चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो होगा, आयरन सुफियान चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, आज रात तक बनाकर अपलोड कर दूंगा। बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाकर इसको बनाना पड़ा है क्योंकि थोड़ा हटके मैं कॉन्टेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना केवल मैं ब्रेकडाउन करूंगा, ब्रेकडाउन के साथ मैं स्टोरी भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि कैसा द फ्लैश का हम लोगों को कहानी देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली बात है, स्पॉयलर वार्निंग पहले से दे दे रहा हूँ, अगर आप स्पॉयलर से थोड़ा डरते हो तो सोच समझ के देखिएगा वीडियो को। वैसे ट्रेलर्स का बात निकला है तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का भी ट्रेलर आ चुका है नया वाला, उसके ऊपर तो मैं कल परसों काम चालू करूंगा, लेकिन वो भी ट्रेलर काफी अच्छा है, उसके ब्रेकडाउन जरूर जाके देखना, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुके हैं और भाई कमाल का फिल्म है और ये बहुत ज्यादा हम लोगों को सैडनेस भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि पता नहीं कितने सारे गार्डियंस चले जाएंगे हम लोगों को छोड़कर। वैसे आप बताओ आपको क्या लगता है कौन सा गार्डियन हमको छोड़कर जाएगा, सब लोग तो कह रहे हैं रॉकेट चला जाएगा लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ड्रैक्स के जाने के ज़्यादा चांसेस है। Xiaomi TV Stick 4K लॉन्च हो चुका है आज इंडिया में, 5,000 रुपये इसका प्राइस है, अच्छा प्रोडक्ट है, मुड़ है तो उसकी तरफ देख सकते हो। Firebolt Quantum स्मार्ट वॉच आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में, 3,000 रुपये से शुरू होता है, अच्छा स्मार्ट वॉच है, अच्छा वैल्यू दे देता है, मुड़ है तो उसकी तरफ देख सकते हो। चैट बॉट्स मानो आजकल एकदम ट्रेंड सा बन गया है, सभी जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रांड्स हैं इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके रखे हुए हैं। चैट जीपीटी को ही देख लो, कुछ भी पूछो वो बता देगा और ये जो चैट जीपीटी है ना, इसका क्रेज इतना बढ़ता जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते हो यार। वैसे अगर आपको मैं कुछ न्यूज दूं तो ये जो ओपेरा ब्राउजर है ना, ओपेरा ब्राउजर को जानते होगे, उस ब्राउजर में
इनबिल्ट आपको चैट जीपीटी का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जब पता चला गूगल को, तो गूगल बोला हम कैसे पीछे रहेंगे, गूगल अपने क्रोम ओएस पे इनबिल्ट बार्ड का आपको सिस्टम दे दिया है, मतलब सेक्शन दे दिया है बार्ड एआई, गूगल का भी चैट बॉट है ना, जिसके चक्कर में उसको बहुत सारे लॉसेस का भी सामना करना पड़ा था। चलो यारो, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज थोड़े से न्यूज थे, वैसे 12-13 न्यूज दे दिया मैं, कल 20-25 न्यूज दिया था। कल के टेक न्यूज को जरूर से जाके देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दो यार, मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और अगर मुझसे आप बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पर मिल जाऊंगा @realsufyanxan। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।